आदमी जब दाढ़ी रखता है तो हसीन हो जाता है, दाढ़ी से हुस्न बढ़ता है, घटता नहीं। अगर दाढ़ी से हुस्न घटता होता तो हुजूर को दाढ़ी रखने के लिए ना कहा जाता। सरकार का हुस्न जमाल जो है वो दाढ़ी के साथ है कि दाढ़ी के बगैर है? बहुत सी लड़कियां और आजकल नौजवान लड़के दाढ़ी तो रखते हैं लेकिन वो बराए फैशन रखते हैं, दाढ़ी सुन्नतों के मुताबिक रखती है, फैशन को नहीं देखना है, हमें तो सरकार को देखना है, हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को देखना है। आपने दाढ़ी मुबारक कैसी रखी है, अंबियाए किराम ने कैसी रखी है, सहाबे किराम ने कैसी रखी है, कतर म्योत करके खाली बराए नाम खसखसी दाढ़ी नहीं रखी, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी। और जो लड़कियां नापसंद करती हैं इनको कहो कि निकाह भी ऐसे आदमी के पास पढ़वाओ जिसकी दाढ़ी ना हो, और तेरा जनाजा भी ऐसा आदमी पढ़ा है जिसकी दाढ़ी ना हो, और तुझे कब्र में भी ऐसा आदमी उतार है जिसकी दाढ़ी ना हो, जब तुझे दाढ़ी से ही नफरत हो। दाढ़ी अंबियाए किराम की सुन्नत है, बल्कि वो जुहलाए अरब जो थे वो भी दाढ़ियां रखते थे, वो भी कोई दाढ़ी मुंडे नहीं थे। ये तो बड़ी अजीम और बड़ी प्यारी और बड़ी अच्छी सुन्नत है, इससे जिस्म और सूरत और शक्ल निखर जाती है और आदमी की मर्दानगी का जुहूर।